यस वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तनाव मुक्त भारत अभियान, तनाव रहित सोसाइटी, स्ट्रेस फ्री इंडिया मूवमेंट। तो यूट्यूब से भी काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। सबका स्वागत है। आयुष पटेल है उधर, आयुष पटेल, फिर सुदेश जादव यूट्यूब पे है, इधर विक्रम सिंह है, गुलिस्तान खान है, और इधर काफी भी लोग इधर भी है जूम के ऊपर। और जूम के ऊपर इल्यूमिनाती है, शारदा ताइडे, फिर इधर प्रकाश कुमार, शिवराज बिरादर, नवीन जी भाटिया, कार्की फ्रॉम याम बी कार्की, गुड इवनिंग, मुंबई से है याम कार्की। ओके सो वेलकम एवरीवन। आनंद ज्योति, काफी लोगों के वीडियो बंद है, सबको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो चालू करेंगे तो अच्छा होगा, ताकि पहचान हो जाती है कौन कौन है कम से कम। राइट, गुड, थैंक यू। अजय कुमार जी, मलिक कोंडेकर, प्रकाश कुमार, कमल गाजी, गुड इवनिंग। या ओके, तो यह आज के प्रोग्राम में आपका सबका स्वागत है। और मैं यह तनाव रहित सोसाइटी, द स्ट्रेस फ्री इंडिया मूवमेंट में आपका सबका स्वागत करता हूँ। शारदा ताड़े, आपको कुछ बोलना है? आपका आवाज ऐसा दिख रहा है कि भी आपको कुछ बोलना है। मैं आपको अनम्यूट करने का मौका देता हूँ। यस, आप अनम्यूट कीजिए शारदा जी ताड़े। गुड हाँ इवनिंग बोलिए। सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं बम्बई से बात कर रही हूँ। हाँ जी हाँ, कनेक्टेड रहने का एक मौका दिया आपने, तो थैंक्स सर। और जो आपने स्ट्रेस फ्री के लिए एक अच्छा प्रोग्राम आपने प्लान किया है, उसके लिए भी थैंक्स। और इसके जरिए हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये भी आशा है। और हम भी लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, तो एक कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे मैंने बताया, और वो लोगों ने भी आपकी लिंक मैंने उन लोगों को भेजी, उनको इंट्रोडक्शन दिया आपका कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। और यहाँ पे मैं काम की वजह से, मेरा लड़का बाहर गया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा काम कर रही हूँ, क्योंकि आपने मेरे जीवन में जो अच्छा अच्छा ही लाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू। प्रवीण जी, प्रवीण श्रीवास्तव जी, बोलिए, अनम्यूट करो और बोलो। प्रवीण श्रीवास्तव, अनम्यूट कर लो और बोलो। मैंने प्रॉम्प्ट भेजा है आपको। नवीन जी भाटिया, मैंने जी आपको प्रॉम्प्ट जी भेजा। हाँ बोलिए प्रवीण हाँ श्रीवास्तव। जी सर हाँ जी बोलिए। जी सर, आपका कार्यक्रम काफी दिन से ज्वाइन कर रहा हूं मैं, 10-15 दिन हाँ हो हाँ गए हैं हाँ जी, हाँ जी, जी। तो वो ठीक, मतलब उससे काफी सुधार हो आया है हाँ अभी। हाँ थोड़ा सा सर यही है कि थोड़ा सा जैसे हम काम वगैरह करते तो फीलिंग हमको कैसा कमजोर लगने लगता है। ये अभी इसके लिए कैसा क्या परेशानी चल रही है समझ नहीं आता देखिए कि बस। अभी स्ट्रेस जी स्ट्रेस यदि आपका कम हो जाता है, तनाव कम होता है, तो देखो क्या क्या फायदे होते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि जी आपका तनाव कम होता है तो क्या फायदे हो, है ना? जी जी हाँ यस हाँ हाँ राइट बाकी वो तो काफी, जब से सेमिनार स्टार्ट हुआ आपका तब से ज्वाइन कर रहे हैं। एक हाँ मतलब हाँ 1 अक्टूबर से स्टार्ट से ही कर रहे हैं, शुरुआत कर ली थी राइट राइट तो राइट उससे काफी फायदा हुआ है। और मतलब जो तनाव में रहता था सोचने में वो भी कम हुई है बातें, ज्यादा सोचने पर भी ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, उससे भी हटे हैं जैसे ज्यादा। यस ओके। नवीन जी भाटिया बोलिए, आपको मैंने अनम्यूट करने का मौका दिया। नवीन भाटिया, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। सर नमस्ते। मैं आपको करीब अंदाजा 2 साल से फॉलो करता हूं, और मुझे जो आपकी सबसे अच्छी बात लगती है कि आपके पास में कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है, थ्योरी नहीं होती। ऐसा कर लो, म्यूजिक सुन लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे तनाव कभी कम होता नहीं है। तो मैं इस बात से आपको हमेशा फॉलो करता हूँ, आपकी इस बात को मुझे बहुत पसंद है। सेकेंड थिंग सर, शायद मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इस प्रोग्राम को आने वाले टाइम पे सुबह शुरू करेंगे। तो एक मेरी स्मॉल सी रिक्वेस्ट है, वो आपको वैसे देख लीजिएगा कैसे करना है।
क्योंकि मैं सुबह कुछ ऐसा काम होता है कि मैं 6:30 से पहले फ्री नहीं हो पाता, तो इफ पॉसिबल तो 6:30 बजे के बाद में रखिएगा, क्योंकि मैं सुबह जो मैजिक वाली वो है रीडिंग, वो भी 6:30 से पहले मैं लॉग इन हो नहीं पाता, मुझे दूध लाना होता है या कुछ काम होता है। तो ये मेरी स्मॉल रिक्वेस्ट है सबको, सबके हिसाब से कन्वीनियंट देख के अगर पॉसिबल हो सके तो कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखेंगे। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर दी सजेशन। यस गोविंद जी बोलिए। गोविंद हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बोलो। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ कोई ऐसी मेडिसिन है क्या जिससे स्पर्म काउंट बढ़े? नहीं 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 है। तो सर मुझे एक बात बताइए, मेरी मैडम मुझसे बोलती है कि हमें बच्चा चाहिए और उसकी समझ में आता नहीं है, मतलब मैं बोलता हूँ बच्चा जो है ना, ये जो है ना प्रोग्राम, ये स्ट्रेस फ्री इंडिया का प्रोग्राम है। अच्छा, आपको कंसल्टेशन चाहिए तो फिर अपने को बाद में बात करने को, मैं आपको नंबर देता हूँ, नंबर डाल दो आपका, है ना, ये नंबर के ऊपर कॉल करो, फिर मैं आपको समय दूंगा, फिर अपन बाद में बात कर लेंगे, है ना, क्योंकि अभी जो विषय अलग है, क्योंकि सर मैं टेंशन में हो जाता हूँ, मतलब टेंशन में रहता हूँ इस वजह से, बराबर है, मगर अभी वो स्ट्रेस जो आपका है वो कैसे कम करना है वो देखेंगे, है ना। हाँ सर वही तो। यस ओके ओके ठीक है, तो हम चालू करते हैं, है ना, ये इनका नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम शुरू करते हैं। देखो मैंने जैसा बोला कि 5 सेंटेंसेस आप टाल दो तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, 5 सेंटेंसेस आप टालो तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये 5 सेंटेंस आपके जीवन में कभी मत बोलो, कभी मत बोलने का है 5 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो सवाल आता है कि कौन से 5 सेंटेंस है आपके कि जो आप बोलते हैं जिसके वजह से तनाव आता है, क्योंकि ये 5 सेंटेंस आप बोलते हैं तो फिर क्या होता है कि आपसी रिश्ते में दूरी आती है, और जब आपसी रिश्ते में दूरी आती है तो तनाव आता है। यदि आप लोगों को बराबर बात करेंगे, लोगों से बात करके जो मैं बोलता हूं वो बातें टाल देंगे, वो सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा कि आप में टेंशन कम हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि 5 सेंटेंसेस मत बोलो तो आपका, आपके रिश्ते ठीक रहेंगे, आपसी तनाव कम होंगे। तो ऐसे 5 सेंटेंसेस कौन से हैं? नंबर 1, पहला सेंटेंस जो है जो आपने नहीं बोलना चाहिए वो है कि मैंने पहले ही तुमको बोला था, है ना, फिर तूने क्यों किया? मैंने पहले ही तेरे को बोला था, या मैंने पहले तुमको बोला था कि तू ये मत कर, फिर तूने क्यों किया है? ऐसा काफी बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बोलते, देखो मैं तुमको बोला था पहले भी करो मत करो, फिर तुमने क्यों किया ऐसा, देखो ऐसे प्रॉब्लम आ गया कि नहीं। अभी इसमें क्या होता है कि जब हम ऐसा बोलते हैं किसको तो सामने वाला दुखी हो जाता है, हम अपना अहंकार बताते हैं, हम अपने आप को बड़े बताते हैं कि देखो मैं बड़ा हूं, मेरे को ज्यादा समझता है, मैं तो बोला था कि ऐसा मत, मैं तो बोला था ना कि ऐसा ऐसा होगा, तभी तूने ऐसा किया, तूने क्यों किया फिर? मतलब इस तरह का सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो सामने वाला दुखी होता है, आपसी रिश्ते हमारे कमजोर होते हैं और प्रॉब्लम हमारा होते रहता है। तो इसमें आपको क्या बोलना है, इसको शेयर करना है, इसके बारे में जो अभी मैंने बोला इसके बारे में आपका क्या अनुभव आया, आपने कहाँ इसका इस्तेमाल किया, आपने कहाँ इस्तेमाल नहीं किया, आपको क्या प्रॉब्लम आया। तो पहले मैं आपके हाथ नीचे करता हूं और इसके ऊपर यदि किसको बोलने का है, ये जो अभी मैंने बोला इसके ऊपर अभी किसको बोलने का है तो आप फिर से हाथ ऊपर कर सकते हैं। यस, जो भी मैंने बोला ना इसके ऊपर आप बोलना है तो बोल सकते हैं। आपको समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो नहीं समझ में आया, समझ में आया होगा तो बोलो समझ में आ गया। तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, डिजिटल हैंड ऊपर कर सकते हैं, तो ऐसा हाथ ऊपर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट।
मैं समझता हूँ किसको समझ में आया नहीं मैंने क्या बोला है, तो मुझे फिर से बोलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि लोगों को बोलने के समय हम ऐसा बोलते हैं कि देखो मैं तुमको बोला था, मैं तुमको पहले बोला था और तुमने मेरा माना नहीं, मैं तुमको पहले बोला था तुमने मेरा कहना माना नहीं, फिर तूने ये बात क्यों किया, ऐसा हम लोगों को बोलते हैं। इसमें हमारा अहंकार दिखता है, हम लोगों को बड़ा बताते हैं, देखो मेरे को ज्यादा आता है, मेरे को ज्यादा समझता है, और फिर इसमें सामने वाला दुखी हो जाता है, और सामने वाला दुखी होके फिर अपने रिश्ते लोगों से कमजोर हो जाते हैं, और जब लोगों से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं तो नेचुरली अपना तनाव बढ़ता है। वो देखिए कि आपको ये जो तनाव आता है तो वो आपसे, क्योंकि हम सोशल एनिमल है, साउंड नहीं आ रहा है ऐसा कोई बोल रहा है, हाँ हम सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल है ना, सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहते हैं, और लोगों को यदि दुखी करते हैं, सामने वाला हमारे से दुखी हो जाता है तो फिर क्या होता है, बात नहीं करता वो, दूर जाता है, और सामने वाला यदि दूर गया तो हमारे संबंध खराब हो जाए, संबंध खराब हो गए तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना, और फिर स्ट्रेस यदि आता है तो हमें स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियां आती है वो बीमारियां आएंगी, जो मैंने पहले बोला हुआ है कि तनाव आता है, तनाव की वजह से फिर हार्ट अटैक है, तनाव की वजह से दमा आता है, तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बॉडी एक्स एंड पेन्स, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, आगे दर्द, पीछे दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, सब तरह के दर्द आपको हो सकते हैं, भूख लंगी लगना, एसिडिटी होना, ऐसे सब लग सकते हैं। तो आईफोन किसका है, आईफोन आपका वीडियो चालू करो और आपका नाम बताओ तो फिर हम आपको बोलने का मौका देते हैं। यस, आईफोन आपको मैंने प्रॉम्प्ट भेजा हुआ है, आप बताइए आपको क्या समझ में आ गया। यस, आपका वीडियो चालू करो। हेलो, हाँ वीडियो चालू करो, वीडियो वीडियो चालू कीजिए। वीडियो चालू नहीं हो रहा उनका, ठीक है, बात भी नहीं कर पा रहे। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ जी, संदीप सालवे नाम है मेरा। सर मुझे वीडियो चालू नहीं हो रहा क्या? नहीं चालू हो रहा। अच्छा ठीक है, मैंने आपका YouTube पर फॉलो किया, आपके सब वीडियो देखता हूँ YouTube पे। हाँ, तो मुझे 2020 से पैनिक डिसऑर्डर था। और अभी वो मैं मेडिसिन MD डॉक्टर से मेडिसिन लेके वो अच्छा हो गया था। पर उसके बाद फिर से वो सिम्टम आने लगे। नहीं देखो, मैंने अभी जो बोला उसके बारे में आपको क्या कहना है, अभी आप बाकी कहानी बताएंगे। हाँ। नहीं होगा क्योंकि अभी अपने को कंसल्टेशन नहीं करना है। अच्छा, है ना, तो ये जो अभी मैंने क्रिएट किया उसके बारे में बताओ, है ना, जो अभी मैंने क्रिएट किया है ना, तो वो आपको बोलना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या बोला उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ना। यस नवीन जी बोलिए, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा हुआ है। हाँ जी सर, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ कि इसको बताइए कैसे सॉल्व करूँ। मेरा हाथ जो है बहुत तेज चलता है, यानी मैं एक टाइम पे 5 लोगों का काम कर लेता हूँ। तो जब मैं काम करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पीड के बराबर लोग काम करें, मुझे पता है वो नहीं कर पाते, तो मैं सबको कहता हूँ तुम लोग हट जाओ, मैं अकेले करूंगा। अब वो सब लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप को सुपीरियर बन रहा हूँ, लेकिन अगर वो लोग बीच में होते हैं तो मेरा हाथ रुकता है। तो यहाँ पे वो लोगों को स्ट्रेस आता है, मेरे को स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अगर वो बीच में आते हैं मेरा काम रुकता है। जैसे आपने कहा कि मैं कह रहा हूं कि ये मत करो, या मैंने बोला था, मैं उनको कहता तुम हट जाओ मैं अकेले करूंगा, मेरा हाथ बहुत तेज चलता है। अब ये मेरी क्वालिटी है लेकिन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है और उससे मुझे स्ट्रेस आता है। बराबर, करेक्ट बोला आपने, मगर आपको ये देखना है कि आप अकेला 5 लोगों का काम भी करेंगे, तुम जो 5 लोगों का आप काम करते हैं, फास्ट काम कर लेते हैं, बहुत तेज हाथ चलता है आपका,
मगर अल्टीमेटली आपको लिमिटेशन आएंगे ना, आप 50 लोगों का काम नहीं कर सकते ना। नहीं क्या आपको मैंने भेजा है अनम्यूट का प्रॉम्प्ट सर? नितिन हाँ एक मिनट, एक मिनट का पूरा हूँ। आप 50 लोगों का काम तो नहीं कर सकते ना भाटिया जी, नवीन भाटिया। एग्री, मैं एग्री करता हूँ कि मैं 50 लोग का काम नहीं कर सकता, लेकिन एक जब मैं 5 लोगों के साथ में काम करता हूँ। हाँ तो आपका कहना मुझे समझ में आ गया कि आप फास्ट काम करते हैं, तो आप बोलेंगे कि चलो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा कि भाई मैं लोगों को बोलने के बदले अपन खुद काम कर डालेंगे, फटाफट काम कर डालेंगे, जल्दी कर डालेंगे, और आप जल्दी फटाफट फटाफट करके। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। मगर इसको एक लिमिटेशन आती है ना, आखिर इसको कुछ ना कोई लिमिटेशन कहीं ना कहीं आएंगे ना। आप 5 लोगों का काम करेंगे, आप 10 का नहीं। सर एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है। नहीं नहीं मेरे को समझ में आ गया, मैं जितनी देर में एक्सप्लेन करता हूं बराबर है, मगर एक व्यक्ति है जिसके हाथ के नीचे, मतलब एक व्यक्ति है समझो एक बड़े कंपनी में काम कर रहा है जहां 1000 लोगों का काम है, आप बोलेंगे नहीं मैं अकेला काम कर लूंगा, मगर वहां तो 1000 लोग लगते काम करने को, तो कैसा होगा फिर? आप कैसे काम करेंगे? क्योंकि मैं 5 लोगों का काम करता हूँ, मगर 5 लोगों से होता नहीं, वहां 500 लोग लगते काम करने को। समझो कार की फैक्ट्री है, कोई बड़ा ऑफिस है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है जहां 1000 लोग काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार ये बहुत ढीले 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 काम करते हैं, और आप वहां के जनरल मैनेजर है, आप बोलेंगे यार बहुत ढीले ढीले आराम आराम से काम करते हैं, मैं कैसा करूं, मैं खुद कर डालूंगा काम। आप कितना काम करेंगे? 5 लोगों का करेंगे, 500 का तो नहीं करेंगे ना। जहां 500 लोगों का काम है, जहां रोज की 20 कारें बाहर निकल रही है नहीं बन के, वहां कैसे करेंगे? मतलब वहां आगे लिमिटेशन आपकी। सर मैं बता, मेरे को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, काम करने में टाइम नहीं लगता, सिखाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। जितनी देर में दूसरे को ट्रेंड करता हूँ उतनी देर में तो मैं करके निकल जाता हूँ। मेरे को समझ में आ गया, मगर आप ऐसा समझ के चलो कि आपको बहुत बड़ा काम करना है, और इतना बड़ा काम करना है कि जहां 500 लोगों की जरूरत है, ठीक है, वो काम करने के लिए, तो वहां कैसे करोगे फिर आप? क्या ठीक है, वहां कैसे करेंगे? वहां नहीं कर पाऊंगा। हाँ? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेशन है। लिमिटेशन है, और वो आपको दूर करनी है। ये लिमिटेशन आपकी जो है वो आपको दूर करनी होगी कि 5 लोगों इतना काम आप कर सकते हैं, मगर 50 लोगों का काम नहीं कर पाएंगे, वहां आपकी लिमिटेशन आ गई। तो वो आपकी लिमिटेशन अपने आप को दूर करनी होगी कि भाई मैं 50 लोगों से काम कैसा निकालू, है ना? ओके। और मेरे में ऐसा क्या है कि मैं 50 लोगों को ट्रेन करूं और 50 लोगों से काम निकालू? 5 लोगों का काम कर लेंगे आप बराबर है, 50 का नहीं कर, क्योंकि 50 देखो 5 लोगों का काम कर लेंगे मतलब क्या होगा, 5 लोगों का काम 8-8 घंटे एक एक आदमी काम करता है समझो, तो 40 घंटे का काम है, आप 40 घंटे का काम 8 घंटे में कर डालेंगे, बराबर ठीक है? ठीक है, अब 500 लोग काम के है, अभी वो 8-8 घंटे काम कर रहे, अभी कितने हो गए? 4000 घंटे हो गए। अब वो कैसा करेंगे? 4000 घंटे कैसे काम करेंगे? 4000 घंटे आपके पास में इतने है नहीं कर सकता। आपको बाकी सब लोगों को समझ में आ गया कि भाई अपने को ये सीखना पड़ेगा। अभी सबसे महत्व का जो टॉपिक हम अभी सीख रहे हैं, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो टॉपिक ये है सबसे महत्व का कि भाई लोगों को डेलीगेट करना, और लोगों को डेलीगेट करके लोगों से काम निकलवाना, लोगों से हमको काम निकलवाना पड़ेगा, लोगों से काम लेना पड़ेगा, वो हमको करना पड़ेगा। कि मैं लोगों से काम कैसा निकालू 500 लोगों से, क्योंकि 500 लोगों का इतना बड़ा काम करना है, तो मैं कैसा करूं? अभी समझो 50 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, अब 50 बेड का हॉस्पिटल आपको दिया, तो आप 50 बेड का हॉस्पिटल कैसा मैनेज करेंगे? अब कहने मैं कर लेता हूँ 5 लोगों का काम, और हॉस्पिटल एक आदमी कैसा मैनेज करेंगे? आपको तो लोगों से काम निकालना पड़ेगा,
अब लोग नहीं, वो बहुत ढीले ढीले काम, बहुत ढीला काम करते हो, है ना, इतना ढीले ढीले मेरा हाथ फास्ट चलता है, पर फास्ट चलेगा तो 50 लोगों को इंजेक्शन कैसे देंगे, 50 लोगों को कैसा काम करेंगे, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा लोगों से काम करवा, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जो हम देते हैं ट्रेनिंग, कि हाउ टू डेलीगेट, हाउ टू डेलीगेट एंड ट्रेन पीपल, ठीक है, गुड, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस राहुल गिरी, आदरणीय केलकर सर को सादर प्रणाम सर। yes. मैं राहुल गिरी सर, दिल्ली से। मैं जानना चाहता हूं सर आपकी, मैं बहुत दिनों से वीडियोस देखता हूं, काफी अच्छा कंसल्टेशन जबरदस्त मिलता है, मैं मेडिकल प्रोफेशनल खुद ही हूं सर, बट सर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिविटी किसी चीज को देख करके ऐसा लगता है मेंटली सर संकीर्णता, तो हमारे बारे में बैड थिंग्स रखता है, या ऐसा ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, फिर से बोलो आपका सवाल। जैसे सर किसी कोई व्यक्ति हमारा नोन है या अननोन है, अक्सर नोन में होता है कि हमारे बारे में ऐसी बातें करता है, इस टाइप पे आपका एक वीडियो आया था, मैं देखा था लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ, मतलब सर ऐसी ऐसी क्यों अभिधारणाएं होती हैं व्यक्ति के अंदर, किसी भी के अंदर, हमारे अंदर और एनीवन किसी के अंदर ले लीजिए, ऐसी क्यों अभिधारणाएं हो जाती है कि हमारे प्रति फिर अपने अंदर सर ऑटोनॉमिकली निगेटिविटी पैदा होती है, निगेटिविटी प्रोड्यूस क्यों होती है? आपका सवाल है कि आप में निगेटिविटी क्यों प्रोड्यूस होती है? यस सर, मैं अभी एक्चुअली सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, बट मैं यही जानना चाहता हूँ निगेटिविटी क्यों होती है। मैं सर ऐसे करता रहूंगा ऑटोमेटिकली सर, कभी कभी जैसे कोई आया तो मुझे जैसे मैं किसी चीज को लेकर के जिद आ जाती है, जैसे उलस जाता हूँ, ये बहुत बैड सिम्टम्स है, ये मैं सर मार्क करता हूँ अपने आप को आपके वीडियो के माध्यम से। अदड़ी केलकर सर, मैं बहुत रिमूव करने की बहुत कोशिश किया, 70% तो मैंने रिमूव कर दिया, मतलब ये इग्नोर कर करके, इग्नोर कर करके सारी चीजें, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर ऐसा होता क्यों है? अच्छा सवाल किया आपने। देखो ऐसा है कि निगेटिविटी जो है, निगेटिविटी ये ह्यूमन बीइंग का स्वभाव है, निगेटिविटी ह्यूमन बीइंग का स्वभाव बन गया है। ये कैसा बन गया है? देखो आप जब 3 साल के थे, आप जब 4 साल के थे तो आप निगेटिव नहीं थे। देखो 4 साल का बच्चा कुछ भी करता है, कहाँ भी कूदेगा, कहाँ भी जंप करेगा, कहीं भी हाथ लगा देगा। यस यस नो, अपन खाना खा रहे तो अपने हाथ में आके हाथ डाल देंगे, खा लेगा, है ना। तो ऐसा कोई निगेटिव 2 साल का बच्चा मैंने तो कभी देखा नहीं, 3 साल का बच्चा कह रहे जमेगा नहीं, उसको बोलो मार कूदी, वो मार देता कूदी, हम ही डर जाते, है ना, अरे गिर जाएगा ऐसा बोलते, वो तो खुद ही मार देगा, ऊपर से बोलो चल मार, वो मार देगा खुद ही, है ना, क्योंकि उसको कुछ ना मालूम ही नहीं रहता, नकारात्मक मालूम ही नहीं रहता उसको कुछ। फिर हम जैसे जैसे बड़े हो गए, वैसे वैसे हमको हमारे बड़े लोगों ने, सबने, उसमें माँ बाप आ गए, भाई बहन आ गए, दादा दादी, नाना नानी, अंकल, चाचा चाची, कंप्लीट स्फीयर सर, वो लोगों ने हमको सिखाया निगेटिव। तो क्यों सिखाया? क्योंकि उन्होंने उनसे माँ बाप से सीखा निगेटिव, और आपने निगेटिव सीखा, आप अभी अपने बच्चों को सिखाएंगे निगेटिव। नहीं बॉस, सिखाएंगे नहीं, मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ इस चीजों को रिमूव किया जाए, दैट इज बैड सिम्टम्स इन फ्यूचर फॉर। यस, या तो उसके लिए अभी ये क्लास कर रहे हैं आप तो अच्छा है, ये अभी ये लेक्चर में आ गए तो अच्छा है, कम से कम आप अभी सीख रहे हैं। एक्चुअली सर आपकी चीजें बहुत, मतलब मैं जितना आपको, तो मैं एक लेटर भी लिखूंगा राष्ट्रपति को, आपको पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि ये मिशन बहुत अच्छा चल रहा है आपका, कि समाज को एक दिशा देने के, समाज को आप एक दिशा दे रहे हैं सर, आप प्रोफेशनल हैं मेडिकल प्रोफेशनल, बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसा है कि मैं दिशा दे रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, मगर आप इसमें सहभाग ले लो। जैसा अभी आप, यदि आपके लाइफ के समझो एक 50 लोग इसमें लाते हैं आज, मैं सर आपको देख करके बहुत लोगों को खुद रिमूव करता हूँ इस टाइप का, मैं मतलब आपको पढ़ पढ़ के, बहुत किताबें अध्ययन करके। ये आपकी जो आज की जो ये थी लिंक, वो आपने 500,000 लोगों को भेजना था। अच्छा, वो भेजा आपने, भाई आप यदि 1,000 लोगों को लिंक भेजते थे, आपकी जितने भी कॉन्टेक्ट सबको कि भाई आ जाओ ज्वाइन हो जाओ, आपके लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा, तो आपके लाइफ के लोग यहाँ आते थे 5-50 लोग,
तो मेरे को सबको रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने अपने लाइफ के लोग लाओ, है ना, अपने अपने लाइफ के लोग लाओ। आप जो सोसाइटी में रहते हैं, जो बिल्डिंग में रहते हैं वहां के लोग होंगे, आप ऑफिस में काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर है, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो जहां भी आपको लगता है कि मैंने आना चाहिए वहां भाषण देना चाहिए, पेरेंट्स आ सकते हैं, तो वहां हमको बुलाओ ताकि हम लोगों का इसमें जागरूकता लाए, नहीं तो उनको यहाँ लाओ, इसमें लाओ, है ना, आप इसमें लोगों को लाओ ताकि लोग सीखेंगे कि तनाव मुक्त जीवन कैसा जीना। और तनाव मुक्त जीवन जीना यदि सीखते हैं तो लोगों की बीमारियां हट जाएंगी, लोग बीमारी नहीं पड़ेगी। तनाव मुक्त यदि आप होते तो आपका कैंसर भी ठीक हो जाएगा, कैंसर भी ठीक होता है। जी जी, है ना, ठीक है ना। अभी मैंने जो बोला आपको वो आपको समझ में आ गया कि भाई आपने कभी ऐसा किसी को मत बोलोगे, देखो तुमको बोला था ना मैंने ऐसा मत कर करके, देखो तुमने कर दिया है। कितने बार मैंने ऐसा बोला ऐसा मत करो, इंटरोगेशन सर बहुत ये इंटरोगेशन सर व्यक्ति को बहुत इफेक्टिव प्रभावित करता है। ये जैसे आप बोल रहे हैं मैंने तुमको बोला था, तो आदमी थोड़ा सा स्ट्रेस फील करेगा उस टाइम, अगर जिस किसी को भी बोला जाए, आपको हमको किसी को भी, तो थोड़ा सा ऑड लगता है। और तो सोशल वो आपसे दूर जाएगा, वो आपसे दूर गए कि आप टेंशन जी जी सोशल स्फीयर्स में आने के बाद वो डिस्टेंस गैप करेगा, तो फिर टेंशन में स्वाभाविक है व्यक्ति। यस, और हम किसी को मौका देते हैं। ज्योति है, ज्योति मेश्राम, यस ज्योति, ज्योति जी बोलिए, आप अनम्यूट करो, वीडियो चालू करो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को जितना तवज्जो देते हैं, जितना डिजर्व समझते हैं, पर आगे वाले हमको डिजर्व नहीं समझते उतना। वो अपने काम प्रति ही अपने से बात करते हैं, उतना ही लिमिटेशन में रहते हैं। तो 15 दिन से मैं जब से सुबह का प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे 15 दिन में थोड़ा चेंजेस लगे, पर आज सुबह से मैं अपने फिर से पुराने मोड में आ गई और स्ट्रेस पे आ गई। तो इसीलिए फिर लिंक दिखी मुझे आज, तो मैं बोली वर्कआउट करते करते बोली वर्कआउट बाद में करूंगी, पहले मैं ज्वाइन करके देखती हूँ कि क्या है करके इसमें। तो वो कल रात को वो बात हुई, एक व्यक्ति है उनके शब्द मैंने उनको वापस की, जो मुझे 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि जितना कहा गया उतना करो। मैंने भी कल को वही शब्द, कुछ ऐसी बातें हुई तो उसमें वो शब्द मैंने उनको रिटर्न कर दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि बात करना जो ढंग से बात कर, नहीं तो बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोले अरे हम इसको डिजर्व समझते और ये व्यक्ति अपने कुछ भी नहीं समझते, तो इसका मतलब है कि अपन इतने दिन अपन फालतू में लोगों को तवज्जो देते हैं। तो उससे स्ट्रेस आ गया मुझे। हाँ। और सुबह घर में चिड़चिड़ सभी पे, हस्बैंड भी बोल रहे कि बोले तो सुबह करती है ना, बोले मैं सर को कंप्लेंट करता हूँ, बोले अभी तू चिड़चिड़ तो देखती तो करती तो प्रोग्राम पर कोई फायदा नहीं, बोले तेरा, बोले तू तू फिर से हम पे वैसे जैसे वैसे कर दी है, बोले तो अभी क्या करूँ बताओ। तो ऐसा है कि आपने आपका रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में दिया हुआ है। नहीं, थोड़े देर के लिए थोड़े, हाँ इस बारे में आप बोल सकते हो बराबर। आपने आपका रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में दिया हुआ है, मतलब आपको अच्छा लगना बुरा लगना इसके हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में। लोगों ने बोल दिया तू तेरा काम कर, तो मेरे से बात मत कर, ऐसा बोल दिया आप। हाँ। मूड खराब हो गया। हाँ। इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों ने बटन दबा दिया आपका, आपका मूड खराब हो गया। तो ये बटन रिमोट कंट्रोल किसके पास में है? आपको अच्छा लगना बुरा लगना लोगों के पास में है। हाँ। फिर क्या ये जीना पसंद करेंगे आप, इस तरह का जीना? नहीं ना सर, वो इसके लिए तो मैं बहुत हर तरह से डिप्रेशन आ रहा है। नहीं तो इसके लिए तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने कुछ भी बोला तो भी हमको उसका कुछ लगना नहीं चाहिए। लोगों ने क्या बोला आपको, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा अच्छा लगना या बुरा लगना, मुझे टेंशन आना लोगों के हाथ में नहीं है। समझ रही है आप? लोगों ने जो बोला बोला, अभी आपको कोई आके गाली भी दे सकता है। हाँ फिर क्या करेंगे आप? अभी एक प्रोग्राम में हमारा जो सेक्स वेबिनार होता है, सेक्स का वेबिनार मैं करता हूँ, तो मैंने उस दिन भी शेयर किया कि इतना वो कौन सा था, उस नाम नहीं बता रहा, वो आ गया इसमें कैसा भी, कहाँ थी लिंक मिल गई, आने के बाद में उसका ना मेरा परिचय ना कभी कुछ हुआ, कुछ भी नहीं है, इतनी गाली गलौज चालू कर दिया उसने, वीडियो ऑफ है, नाम भी नहीं बता रहा है ना।
तो अभी आप, मैं डिस्टर्ब, हाँ मेरे को अच्छा। मेरा कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, नाम नहीं बता, नाम भी बता नहीं रहा हो, तो मैं ऐसा डिस्टर्ब क्यों हो जाऊं? मतलब ठीक है, उसको मैंने म्यूट कर दिया, मेरा कार्यक्रम चालू है। हाँ तो मैं यही बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ से दूर रखे ना, दूर रखेंगे ऐसा दूर रखेंगे, मगर अपने आजू बाजू वाले लोग ऐसा करते हैं तो कितने लोगों को आप दूर हटाएंगे आपके लाइफ से? ये भी देखो ना, लोग तो कैसा भी बर्ताव करेंगे, कितने लोगों को आप दूर हटाएंगे? नहीं, कम लोग हैं मेरी लाइफ में ऐसे, दो चार ही लोग हैं कि जिसको जिससे दूर रहे। नहीं ठीक है ना, मगर आप यदि स्टैंड लेते हैं, आप यदि स्टैंड लेते हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे यदि आप ऐसा बोलते, है ना, यदि उनके लिए स्टैंड लेते हैं आपको तो। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति बुरा होता नहीं है, कोई व्यक्ति अच्छा होता नहीं, कोई व्यक्ति सही होता नहीं है, कोई व्यक्ति गलत होता नहीं। यदि मैं उनको पूछूं आपके बारे में, तो फिर आपके बारे में और कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेंगे मेरे को, डेफिनेटली। हाँ वो तो बोलेंगे, पर मैं अपन जैसे अभी इसका मतलब क्या है? आप उनको बोल रही, वो आपको बोलेंगे, इसका मतलब हर व्यक्ति अपने अपने जगह पे सही है। पर थैंकफुल रहते, एटीट्यूड में रहते हैं, फिर भी वो इंसान अपने आप को एटीट्यूड में ही बता रहा है और अपने को ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है एटीट्यूड बता रहा है तो, उसने एटीट्यूड बताया तो मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? ठीक है भाई, तेरा तेरे पास में रख, क्या प्रॉब्लम है? आपने डिस्टर्ब नहीं होना, मेरा प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या, कि वो कुछ भी करेगा, आपने डिस्टर्ब नहीं होने को, ये मेरा प्रॉब्लम है कि आप डिस्टर्ब हो रही है ना। आपने वो, उसने गाली भी दिया था भी, आपने डिस्टर्ब नहीं होने का, आपने कूल रहने का। कैसे कूल रहेंगे? आपने हंसने को होना, बोले ठीक है गाली दे रहा, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। तो वो तो अपने आप को, और अपने आप को थैंक यू बोलना है कि वो सामने वाला गाली भी दे रहा है, मैं मुझे काम एंड क्वाइट रख सकती हूँ, थैंक यू वेरी मच। खुद को यही कोशिश की मैंने, पर नहीं हो पाया, दोपहर में सो गई और उसके बाद में भी वर्कआउट के निकल गई। वही सीखना है अभी, आप समझ में आ रहे ना? अच्छा हाँ, वही सीखना है कि भाई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो आपने किसी को अधिकार दिया नहीं है। नोबडी ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ can make you angry unless you have permitted him to do so. ये दुनिया में आपने किसी को परमिशन दी नहीं है कि वो आपको गुस्सा दिलाएंगे, कोई भी आपको गुस्सा दिला नहीं सकता, क्योंकि वो परमिशन आपने किसी को दिया नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है? तो डिस्टर्ब जो है वही क्लास, तो आप स्ट्रेस में गई, नुकसान किसका हुआ? मेरा। नुकसान किसका हुआ? हाँ, दिन किसका खराब हो गया? मेरा हुआ, आज दिन भर की जो एक्टिविटी थी कुछ भी नहीं किया। हाँ, प्रायोरिटी आपकी खत्म हो गई, नुकसान कौन कर रहा है? खुद। देखो, जहर कौन पी रहा है? हम पी रहे हैं। और मर जाएगा वो, ऐसा आपको लगता है? वो कैसा मरेगा, उसका भी नुकसान नहीं हो रहा है। आप जहर पी रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, आपने आज दिन भर काम नहीं किया, आप आज का दिन वापर सकते थे, वो आपने एक दिन गमा दिया ये सब करने में, नुकसान किसका हो गया? तो आपको 30 सेकंड के ऊपर 30 सेकंड से ज्यादा आपको गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। आप मेरे साथ में प्रोग्राम में है, तो मेरे साथ में जो प्रोग्राम में जो लोग है उनको 30 सेकंड के ऊपर गुस्सा करने का अधिकार नहीं, बस गुस्सा करो 30 सेकंड में बाहर आ जाओ, डिस्टर्ब हो जाओ 30 सेकंड में बाहर आ जाओ, दुखी है दुखी हो गए 30 सेकंड, और सुखी हो गए तभी 30 सेकंड, सुखी के लिए भी 30 सेकंड, क्योंकि आप सुखी होते हैं फिर सेलिब्रेट करते, लोग फिर सेलिब्रेट करते हैं, एक एक दिन सेलिब्रेशन करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, अरे आपका प्रोडक्टिविटी खत्म, लोग फिर धूमधाम करेंगे एक दो दिन, बोले सेलिब्रेट कर रहे, फिर भी काम नहीं कर रहे, फिर आप दो दिन काम नहीं करेंगे तो सेलिब्रेशन भी क्यों करना है इतना, कि भाई आपने काम धंधे बंद कर देना,
प्रोडक्टिविटी खत्म होती है ना। हाँ, और दूसरा ऐसा है कि सेलिब्रेशन आप करते हो, थोड़ा सा यश मिल गया तो, सफलता मिल गई तो सेलिब्रेट करते हैं आप, तो सेलिब्रेट कितना करना है? पहला लॉ इसे कि ठीक है एक दिन एक पार्टी करेंगे, चलो एक पार्टी करेंगे, चलो सेलिब्रेट करेंगे, चलो एक पार्टी कर ले, कल हम अपने काम पे लग जाने का। नहीं, मेरा एक, मैंने शायद आपको एक आपको पूछा या मनीष सर को पूछा पता नहीं, तो मैंने पूछा था कि मुझे खुशी फील नहीं होती, दुख जल्दी फील हो जाता है पर खुशी जल्दी फील नहीं होती, तुम कितना भी बड़ी मुझे खुशी दोगे ना तो मुझे फील नहीं होता है, और दुख में रहना अच्छा लगता है मुझे, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, अपने स्ट्रेस में रहना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है ना, करो मुझे अच्छा लगता है, मजे करो फिर। नहीं अभी आप मिल करो नहीं अभी आप मिल गए, अभी नहीं रहना है मुझे। हाँ। बहुत साल हो गए, 43 ईयर एज के, अब लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है बस। यस, करो फिर मजे करो ना। ठीक है, गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा क्या आपने शेयर किया है ना। तो मुझे ये बताना था कि दूसरा पॉइंट जो है, मुझे अभी पॉइंट खत्म करने हैं फटाफट। दूसरा पॉइंट जो है कि आप लोगों को बोलते हैं आप है ना हरदम ऐसे करते, तो ऐसा हरदम ऐसा करते, तो ऐसा ऐसे ही क्यों करते हरदम, आप हरदम ऐसे ही करते, मतलब आप क्या करें उसका खच्चीकरण कर जब आप ऐसा बोलते हैं, या कभी आप बोलते तुम ये कभी करते नहीं हो, तुम ये कभी करते नहीं हो, हरदम ऐसे ही करते, इसमें भी सामने वाले का खच्चीकरण हो जाता है, सामने वाला डाउन हो जाता है और फिर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि लोग फिर अपने आजू बाजू के यदि लोग डाउन हो गए, यदि उनका खच्चीकरण हो गया, यदि वो डिप्रेस हो गए, नर्वस हो गए, तभी वो काम नहीं कर सके, आपसे दूर जाएंगे, उनको स्ट्रेस आएगा, आपको स्ट्रेस आए, तो ये वाक्य भी आपने टालना चाहिए। तीसरा जो सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है ना कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसी तरीके से ये काम करना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं ना बस इस तरह से ही करो। क्यों भाई ऐसा क्यों, आप जो बोल रहे हो उस तरह से क्यों करना चाहिए, आप जो बोल रहे हो उस तरह से क्यों करना चाहिए, बाकी तरीके नहीं क्या करने के? नहीं मैं बोलता हूं ऐसा करो, मैं बोल रहा हूं ऐसा करो, अरे भाई उसके 10 तरीके हो सकते हैं काम करने के, और 10 तरीके से अलग तरीके से काम हो सकता है, मगर हमने ऐसा टास्क जिद नहीं करना चाहिए, इन्हें मैं बोलता हूं वैसे ही काम। ये तीसरा पॉइंट हो गया कि मैं बोलता वैसे ही करो। चौथा पॉइंट हो गया कि लोगों के ऊपर टीका करना, क्रिटिसाइज करना, लोगों के ऊपर टीका जो करना है तो लोगों के ऊपर टीका कभी नहीं करना है, और पीछे तो बिल्कुल ही करना नहीं। जब लोगों के ऊपर आप टीका करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और उनके पीछे करते हैं, उसको बोलते हैं गॉसिपिंग, ये सामने नहीं बोलना उसके पीछे बोलने का है, उसको बोलते हैं गॉसिपिंग, टिंगल टवाल क्या करना, मराठी में बोलते हैं टिंगल करना है ना, टिंगल टवाल क्या करना, और उससे आपकी एनर्जी खत्म होती है, और वो सामने व्यक्ति आता है तो उसके साथ में अपने रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अब बोलना ही है, टीका करना है, क्रिटिसाइज करना है, तो सामने करो, उसके मुंह के ऊपर करो और बोलो कि अभी मैं तुमको क्रिटिसाइज करने वाला हूं, और क्रिटिसाइज करने का उद्देश्य यह है कि आप में प्रगति होना चाहिए, यह मेरा उद्देश्य आपके लिए कर रहा हूं, आपने सुधरना चाहिए इसलिए मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ऐसा बोलो। और एक बार क्रिटिसाइज किया तो 10 उसकी अच्छी बातें उसको पहले बताओ, 10 अच्छी बातें ढूंढो वो पहले बोलो, और बाद में एक ही सेंटेंस या एक ही वाक्य आपको बोलना है क्रिटिसाइज करने के लिए, टीका करने के लिए, दोष देने के लिए। और चौथा जो है वो है कि हमेशा से मौजूद, मतलब पहले से मौजूद हमेशा की तरह, मतलब उसको बोलते हैं हम ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग, पहले से मौजूद है हमेशा की तरह है, कि हमको है ना बस मालूम है, ज्योति आपको मालूम है कि आपका हस्बैंड कैसे बिहेव करेगा, मालूम है, और आप वैसे उसके साथ में बातचीत करें,
आपको पहले से मालूम, उसने मुंह खोलने के पहले ही आपको मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने वाला है। हम लोगों को वो क्या बोल रहा है वो सुनते नहीं है, हम लोगों को हमको जैसा सुनना है वैसा सुनते हैं। समझे, आपने बोला ज्योति आपके, समझो आपने खाना बनाया और अभी बोला कि चलो खाना खाने बैठते, नहीं मुझे भूख नहीं है, उन्हें बोला मुझे भूख नहीं, आपने क्या सुना, इनको गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या बोला, मुझे भूख नहीं है, आपने क्या सुना, इनको गुस्सा आ गया। उन्हें बोला ऐसा कि गुस्सा आ गया करके, नहीं बोला, मगर तभी भी आप सुन रहे। उसको बोलते पहले से मौजूद हमेशा की तरह, कि आप अपने हिसाब से जैसा सुनना है वैसा सुनेंगे। उसने बोला भी नहीं है तभी, खाना खाओगे, समझो अभी मैं पूछा है ना खाना खाओगे, अब क्या बोलेंगे, नहीं मेरे को है ना बाहर जाना है। मैं क्या पूछा, खाना खाओगे, आपने क्या बोला, मुझे बाहर जाना है। तो बाहर जाना है ये कौन से सवाल का जवाब हो गया, आपको कहाँ जाना है, उसका जवाब है मेरे को बाहर जाना है। मैं पूछ रहा हूं आप खाना खाओगे, नहीं मेरे को बाहर जाना है। अरे वो क्या पूछ रहे हैं, आपने बोलना हाँ खाना खा रहा है या खाना नहीं खाना है, ये बोलने का है। फिर यदि सवाल पूछा कि आप कहीं जा रहे हो, हाँ मैं बाहर जा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम सुनते नहीं सामने वाला क्या कर रहा है। खाना खाओगे, नहीं मेरा पेट ठीक नहीं, मेरा पेट ठीक नहीं। अरे पूछा क्या, खाना खाओगे, मतलब पेट ठीक नहीं, वो किसके सवाल का जवाब है कि आपका पेट कैसा है, आप खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को सुनते रहते हैं, तो जिसको भी अभी कुछ शेयर करना है तो इसके बारे में जो अभी मैंने क्रिएट किया है पूर्वग्रह दूषित, तो एक बार मैं सबके हाथ नीचे करता हूं और अभी किसको बोलने का है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं उनको बोलने का मौका दूंगा फिर से। यस भुवन मगर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, भुवन मगर, यस भुवन मगर बोलिए। मैंने हाँ आपका वीडियो चालू करो भुवन जी, वीडियो, हाँ जी नमस्ते सर, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरे को ना जैसे कभी बार होता है हम किसी भाई को सिस्टर को या फ्रेंड को फोन लगाते हैं, फोन रिसीव नहीं करते वो लोग, जब तब एकदम से गुस्सा आता है और बाद में सर ये ना एक साइड का सिर दर्द होने लगता है। ये किस कैसे, मतलब हम दिमाग में ज्यादा टेंशन लेते हैं या सोचते हैं, कैसे होता है मतलब सर, ये जानना था। हाँ, टेंशन लेते हैं ना, टेंशन लेने की वजह से ऐसा होते रहता है कि जो भी कुछ होता है उसमें आप उसका कुछ तो भी अर्थ निकालते रहते, जो भी कुछ होता है उसका आप अर्थ निकालते रहते, और अर्थ जो निकालेंगे वो हिसाब से अपनी तबीयत खराब हो जाती। जो भी आप अर्थ देंगे, कुछ मीनिंग देंगे, जो भी होगा मीनिंग देंगे। मैं इधर से जा रहा हूँ भुवन जी, आप उधर से आ रहे, मैं इधर से जा रहा हूँ आप उधर से आ रहे, मैं जा रहा हूँ नमस्ते जी, आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं, आपने देखा नहीं, आप निकल गए, अभी क्या हुआ, हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, ये मतलब ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, नहीं ध्यान नहीं दिया, ये तो आपका अर्थ हो गया, ध्यान नहीं दिया, हुआ क्या, हुआ क्या, मैं इधर से गया तुम इधर से आ गए, कितने हुआ, मैं इधर से गया तुम उधर, इतने हुआ। अभी आपने क्या, देखो ध्यान नहीं दिया, ये किसका मीनिंग आ गया, ध्यान नहीं दिया, ये इसने मुझे टाल दिया। ये हमेशा ही ऐसा करता है, अपने आप को ज्यादा ही समझता है, चल हो गया मेरे दिमाग में, अपने आप को ज्यादा ही समझता है, इसका ईगो बहुत ज्यादा हो गया, आजकल वो मेरे को टाल रहा है, ये हरदम ऐसे ही करता है, ये ज्यादा अमीर हो गया, बहुत पैसा आ गया, ज्यादा माज गया, चल चल, अरे क्या हुआ, हुआ उधर से गए, वो उधर से आया और उसका आपके तरफ, मतलब आपने नमस्ते किया, उसने नमस्ते नहीं किया, उतने हो,
बस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप कुछ तो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ तो भी बोल देते हो और कुछ तो भी हो जाता है, और फिर ये मुझे हरदम टालता है, ये हिसाब से फिर क्या होगा, चलो हेडेक। आप घर पे गए, फिर वो वहां, वो तो आप इधर से गए, वो उधर से आ गए, ठीक है, उसने देखा नहीं, नमस्ते किया, वो चले गए। फिर आप घर पे गए, घर पे गए, बेल दबाई, टिंग टोंग, आपकी पत्नी आई, उसने दरवाजा खोला और वो अंदर चली गई फट से। देखो इसने मेरे को विश भी नहीं किया, अंदर चली गई, इसने भी मेरे को टाल दिया, उसने भी टाल दिया, इसने भी टाल दिया। आजकल लोग मेरे को टालते रहते, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, इतना लंबा नहीं चलता कार्यक्रम दिमाग में, फट 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 अर्थ निकालना चालू हो जाता, और एक बार अर्थ निकाले, टेंशन आ गया, स्टीरॉइड्स सिक्रीशन हो गया, एड्रेनलिन का सिक्रीशन हो गया, एक बार स्टीरॉइड एड्रेनलिन आ गए, सैनिक पूरे बॉडी में उसका असर होता है, ठीक है। तो अभी आज से क्या करना है आपको, मीनिंग निकालने का, मीनिंग निकालने का नहीं। वर्मा जी बोलिए, प्रवीण जी नमस्कार सर, आज थोड़ी लिंक लेट मिली सर, तो थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, और बहुत अपने लोगों को भी, बहुत लोगों को मालूम नहीं, बहुत कम लोग आए अपने आज, ऐसा मुझे लगता। चलो कोई बात नहीं, जो है सो बढ़िया है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा आपने बताया अभी कि भाई दुख में ज्यादा दुखी भी नहीं रहना है, खुशी में ज्यादा खुश भी नहीं रहना है, तो ये तो सर वो गीता का ही ज्ञान हो गया ना, जैसे या जैसे गौतम बुद्ध भी स्थित प्रज्ञ थे, वैसा ही होना चाहिए, बोलने का मतलब आप जो बोल रहे हैं उससे मेरे ध्यान में आ रहा है। और सर अभी जो ज्योति जी का जो मैंने सुना अभी कि भाई सवेरे जो उनका लुक था वो एकदम प्रफुल्लित थे, और अभी दिन भर का उनको टेंशन आ गया, वो एक बात से तो एकदम ही मतलब डाउन हो गए, अभी अलग मतलब एक अलग ही लुक हो गया उनका अभी, क्या मैंने तो वही है कि अगर स्ट्रेस लिया अपन ने किसी की चीज का, तो ऑटोमेटिक उसका पूरा अपने बॉडी पर, और अपने जो आपने स्टेरॉइड और एंड्रेनालिन का जो बोला, वो बिल्कुल एकदम मैंने 100% है ही वो, मतलब है ही, आपको तो है ही वो, आप तो बोल रहे हैं तो मतलब है ही वो, तो वही होता है सर, जब अपन स्ट्रेस में रहते हैं ना अपनी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती, अपने को थकावट भी लगती, और एकदम स्ट्रेस में रहते चिड़चिड़ और ये सब, तो एकदम सही है सर। तो इसलिए अपन ने जो अभी अभियान शुरू किया है स्ट्रेस फ्री इंडिया का, ये मुझे लगता है ये बहुत मतलब बहुत लोगों को जरूरत है इसकी अभी। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक को जरूरत है, अरे ज्योतिका चेहरा देखो, ऐसा लगता कोई मर गया इनके घर। हाँ वही मैं उनको मतलब वही मैं कहना चाह रहा था, मैं एकदम स्ट्रेस में रहते एकदम लुक ही चेंज हो जाता है एकदम। हाँ तो खुश रहो, खुश रहो, जिंदगी पता नहीं कब खत्म हो जाएगी, है ना। यस, मजे करो, खुश रहो, बराबर कि नहीं? आप देखो, आप मुझे ऐसे ही देखेंगे, मुझे भी कभी कभी टेंशन आ जाता है, मुझे भी कभी कभी टेंशन आ जाता है, पर मैं थोड़ी देर के लिए वो होता हूँ और फिर वापस जैसा कुछ हुआ ही नहीं, बराबर है, ऐसे करता हूँ। गुड गुड गुड, धन्यवाद सर। आदित्य बोलो, आदित्य आपको मैंने म्यूट करने का मौका दिया। यस बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ जी बोलिए सर। मेरा प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो अभी नहीं चर्चा होगी ये। ओके सर। यस अब्दुल, हाँ नितिन जी बोलो, नितिन चौहान। नितिन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली अभी जो सब्जेक्ट आज का है स्ट्रेस के ऊपर, तो मैंने मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ आज का, मैं फ्रेश बता रहा हूँ कि 11:30 को मैंने फ़ोन किया था उस व्यक्ति को रेजिडेंशियल नंबर से दादर में, तो कुछ इम्पोर्टेंट काम था मेरा, और उनको उनको भी इम्पोर्टेंट काम था, हमें मिलना ही था, तो मैंने मेरा नंबर दिया उनको और कहा मैं 3:30 बजे गोरेगा में आपको आपके ऑफिस में टच होता, उन्हें शॉर्टकट में एड्रेस दिया था, तो मैं बस से गया वहाँ पे उतरा, और उसके बाद तो उन्हें इंडस्ट्री रह कहा था, इंडस्ट्री तो उधर काफ़ी इंडस्ट्रीज थे, तो मैंने उनका वापस रेजिडेंशियल नंबर ये किया, लेकिन रिंग ही बज रहे थे, कोई उठा नहीं रहता वो, मैं 2-2.5 घंटे वो पूरा एरिया पूरे पूरा वो मुंबई चेक कर डाला, लेकिन उनके एड्रेस मिल रहा, बाद में ऐसे सोचा कि कितना वो इरेस्पॉन्सिबल आदमी, थोड़ा एड्रेस मुझे आया कि क्या इतना मैं इतनी भाग दौड़ करके आया और 2-2.5 घंटे से घूम रहा हूँ इधर उधर, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है, क्या
तो थोड़ा ट्रेस है, लेकिन बाद में सोचा कि उसने शायद मेरा गलत नंबर भी लिखा होगा, उसके वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाया होगा। तो ठीक है ना, तो मैंने भी ठीक है कल उसको फोन करते हैं और डिटेल में पूछ लेते हैं, ऐसा मैंने किया। गुड। तो इसका मतलब आपको जब भी कुछ अर्थ देना है तो बुरा अर्थ न मत न देते हुए, उसका बुरा मीनिंग न निकालते हुए अच्छा मीनिंग निकाल, यस सर, है ना। अच्छा मीनिंग निकालेंगे जो भी, अच्छा मीनिंग हम क्या करते हैं, हम बुरा मीनिंग निकालते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो हरदम अच्छे से सुनो, अच्छा मीनिंग निकालो तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। अब्दुल अहद बोलिए, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा हुआ है। अब्दुल अहद, अब्दुल अहद अनम्यूट करो। अब्दुल अहद, ओके। ओंकार, यस ओंकार, आप अनम्यूट करो अपने हाँ आप हेलो को। सर। हाँ हाँ बोलिए। सर, मुझे बातें करते समय ना स्ट्रेस आता है सर, और कैसे सोशल मीडिया पे ना कैसे अगर कोई भी वीडियो देखता हूँ ना, तभी कुछ टाइप करना है, कमेंट करना है ना, तभी मुझे स्ट्रेस आता है सर, और जब बॉस से बात करता हूँ ना तभी स्ट्रेस आता है सर मुझे। राइट। तो अभी आपको ये देखना है कि ये जो आता है स्ट्रेस, तो क्यों आता है स्ट्रेस, क्या मीनिंग निकालते हैं आप, दिमाग में क्या चलता है सर लोग क्या, आपको। कुछ लोग हाँ क्या बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और लोग चुप बैठने वाले नहीं है, लोग तो हरदम कुछ ना कुछ बोलने वाले है। कुछ भी करो तो भी गरीब है, आप तो बोलेंगे कि देखो ये गरीब है, बहुत आलसी है, काम नहीं करता है और इसलिए गरीब है। आपने पैसा कमा लिया तो बोलेंगे देखो बदमाशी किया होगा, नंबर दो का पैसा है ना, इसने चोरी किया होगा, टैक्सी चुराया होगा, ऐसा किया होगा, इसलिए अमीर बन गया है। ठीक है ना, तो अमीर है तभी लोग बोलेंगे, गरीब है तभी लोग बोलेंगे। और सर दुनिया में तो बोलेंगे देखो ये अमीर हो सकता है, देखो कितना आलसी है, होशियार है मगर कुछ करता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ऑफिस में रहता है ना, तो ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे काम करते और मैं से ज्यादा फास्ट काम करते ना सर, तो कभी कभी क्या होता है क्या, हमें काम करने में लेट हो जाता है, बाकी के लोग फास्ट काम करते, इसीलिए सर भी कभी बात चिल्लाते हैं सर, उसकी वजह स्ट्रेस आ जाते हैं। बराबर। तो आपको अभी सुना है, हम सिखाएंगे धीरे धीरे, आप जैसे जैसे कोर्सेज में आएंगे आप आते रहो। सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रोग्राम में आते रहो, आप हफ्ते में एक बार, ये प्रोग्राम मुझे लेना है हफ्ते में एक बार से। अभी आप अपना टाइम बुक कर लो, 7:30 बजे बुधवार को, 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक, है ना, ये पक्का कर लो आप बुक, और ये प्रोग्राम में आते जाओ। देखो अभी मैंने आपको ये बोला हुआ है, अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं। अभी होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि लोग जो सुन रहे हैं, मतलब सॉरी जो लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा सुनना और उसको निगेटिव मीनिंग देने का नहीं, ये होमवर्क है। कुछ भी निगेटिव मीनिंग देने का नहीं, जो जैसा बोल रहे हैं वैसा सुनने का है ना। यस, थैंक यू सर। हाँ, जो भी जैसा बोल रहे हैं वैसा सुनने का है, जो जैसा बोल रहा है वैसा, उसको मीनिंग लगाने का नहीं। कुछ भी जो हो रहा है वैसा, जैसा हो रहा है वैसा देखने का, जैसा बोल रहा है वैसा सुनने का, मतलब प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, वो क्या बोल रहा है उसको सुनने का है। यस सर। मैंने आपको बोला ओंकार, चलो पिक्चर चलते हैं क्या। हेलो सर। हाँ पिक्चर चलते मेरे साथ में अभी। हाँ सर, पिक्चर हाँ देखता है वो। नहीं, पिक्चर चलते क्या मेरे साथ में, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए चलते क्या मेरे साथ में अभी। हाँ सर, हाँ पिक्चर देखने चलते क्या मेरे साथ। हेलो, हाँ नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, पिक्चर समझा सर, लगता सर देखने के लिए चलते क्या। आपके साथ क्या है। हाँ कैसे, हेलो सर, कैसे सर, कैसे सर, आप उधर हैं हॉस्पिटल।
हाँ तो चलते क्या पिक्चर देखने मेरे साथ? यस सर। हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है? सुन नहीं रहे आप? बराबर। तो अब्दुल अब्दुल आप आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलिए। जी सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप कहाँ से हैं सर? जी सर मैं बिहार से हूँ, सिवान बिहार। हाँ हाँ जी सर। ओके ओके सर। आप मतलब जैसे उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब आप अभी मेरे साथ पिक्चर जाने के लिए रेडी हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, बट हाँ। वो नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। हो सकता है मे भी वो ये बोले कि आप पिक्चर के लिए तैयार है, आप भी पिक्चर आने को तैयार है 9 बजे का? तो अभी सबसे हाँ? पहली बात है आप दूर है वहाँ पे, अभी अगर वहां रहते तो जाने के लिए तैयार थे ऑफकोर्स। हाँ देखो मैं समझो अभी मेरे मेरे मिसेज को बोलता हूँ ना चलो मैं अभी पिक्चर जाएंगे। हाँ तो पिक्चर चलते क्या मेरे साथ? सिनेमा देखना है चलो चलते क्या सिनेमा देखने के? तो क्या बोलती है? घर में बहुत काम है। ये कौन से सवाल का जवाब है? ये दूसरा हो गया, बात का जवाब नहीं हुआ। हाँ मैंने पिक्चर मैंने बोला पिक्चर चलते क्या, तो वो क्या बोलते मेरे को घर में काम है। मतलब वहां पे आंसर होना चाहिए उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है हाँ या ना, मगर उसने क्या सुना? बोलते सुनिए वो क्या बोलती है, घर में काम बहुत ज्यादा है कि कम है? घर में बहुत ज्यादा काम, घर में कितना काम है? उसका जवाब है घर में बहुत काम है। मैंने पूछा क्या पीछे चलते जवाब कहते मेरे को घर में बहुत काम है। आप देखो आपको कोई सुनते ही नहीं और आप भी लोगों को सुनते नहीं, समझ आ रहा है? अभी अपने क्या करना है, अभी लोगों को सुनना चालू करो, जो जैसे बोल रहे हैं वैसा सुनना चालू करो, उसको कुछ भी मीनिंग लगाने का नहीं, नो मीनिंग। जैसा ज्योति ने मीनिंग लगा दिया, देखो कैसा बोल रहा है वो, इतना ज्यादा एरोगेंट है, देखो कैसा ज्यादा ये कर रहा है, देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, चालू हो गया, तो कुछ भी मीनिंग लगाने का नहीं है। किसी ने बोला है कि लिसनर गुड लिसनर बनना चाहिए पहले उसकी बात, गुड लिसनर बनो। तो गुड लिसनर मतलब, गुड लिसनर मतलब ऐसा है कि जो जैसा बोल रहा है उसको कुछ भी मीनिंग न लगाते हुए जो जैसा बोल रहा है वैसा उसको सुनो। बिल्कुल है ना ये। ठीक है गुड। सर सर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या होता है कि मतलब मैं बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता हूँ सर, कोई भी बात होती है जैसे कोई मुझे कुछ बोल दिया, जैसे अभी कोई कुछ बोल दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है, फिर मैं उस पर गुस्सा हो जाता, तुम मुझे ऐसा क्यों बोले, नहीं ऐसा क्यों किया, क्या हुआ क्या हुआ, हुआ क्या बताओ ना सर। मतलब जैसे कोई मेरे को कोई बात होती है तो मतलब जैसे मैं कोई मेरे से बोल रहा होता है तो मैं एकदम अच्छे से सुनता हूँ, तो किसी किसी को देखता हूँ एकदम मेरे पे चढ़े जा रहा है, एकदम बोले जा रहा है, एकदम मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को अब मेरे को दाबना चाह रहा है, शायद हो सकता है मेरे अंदर कहीं को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोला क्या उसने, बताओ ना पहले हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। एक्चुअली मैं एक कंपनी में था, तो कंपनी में था तो उस कंपनी में जॉब कर रहा, अभी दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी में जॉब करता हूँ, तो वहां पे मैं काम कर रहा था, तो एक वर्कर था, तो वर्कर था तो उसको मैं कोई बात समझा रहा था तो वो उल्टा सीधा बोले जा रहा था, मतलब जैसे आपने वो आपने क्या बोला? मैंने उसको बोला कि जैसे मैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर हूँ सर, मतलब सेफ्टी फील्ड से हूँ, तो मैं उसको सजेस्ट किया कि ऐसे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब सही सेफ वे उसको बता रहा था कि ऐसे काम करना चाहिए, बट वो बंदा कुछ अलग रिस्पॉन्स कर रहा है कि आप लोग ये करते हो हमें परेशान करते हो, ये है वो है, आप लोग जैसा बहुत देखा मैं, मतलब उल्टा सीधा जवाब बक के जा रहा था। फिर मेरे को मैं हेलो हेलो, तो आपने क्या किया, आपने उसको सिखाना चालू किया। जी जी है ना, आपने उसको सिखाना चालू कर लिया, उसको कैसा ऑकर हो गया हो कि देखो ये मेरे ऊपर रोब जमा रहे सिखा रहे, मेरे को सब मालूम है मत सिखाओ मेरे को। जी 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 सर। हाँ ऐसा हो गया। तो आप जब भी किसी को कुछ बोलते हैं तो क्या आपने उसको पूछा कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, क्या मैं आपको कुछ सिखाऊं, क्या सिखा सकता हूं मैं आपको कुछ, ऐसा पूछा आपने? नहीं पूछा ना, ऐसा नहीं पूछा ना आपने?
मैं आपको पूछो सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं भाई, बोलो। नहीं पूछा आपने, आपने सीधा चालू कर दिया सिखाना उसको, वो सीखने के मूड में है नहीं। जब कोई सीखने के मूड में है नहीं और आप उसको सिखा रहे, वो सुनता ही नहीं आपको। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी कभी आप कहीं बोलते हैं तो आपको ये सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये सीखने के मूड में है क्या। ये सीखने के मूड में है तो भी सीखना है। अभी आप सब लोग 7:30 बजे आए और आप सीखने के मूड में हैं तो मैं सिखा रहा हूं। जी बिल्कुल। हाँ, आप आगे इतने अपने को कुछ भी स्ट्रेस के बारे में सीखना है तो आप आगे तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। मैं अभी कुछ तो भी वो रिक्शे वाले को पकड़ लूं अभी रास्ते पे जाके, उसको बोलूं चलो मैं तेरे को सिखाता स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बहुत तनाव लेता है तू। बोलेंगे मेरे को मत सिखाओ, मेरे को सब आता। बोले क्या आपको जब भी किसी को कुछ बोलना है तो पहले उसको पूछो कि तू सीखने के मूड में है क्या, मैं कुछ बताऊ क्या, सिखाऊ क्या। उसने हाँ बोला तो सीखना है, बताना है, नहीं बताने का है ना। जी सर, एक मेरा भाई था सर, वो हो सकता है अभी ये सब। मेरे सुनो भाई, मेरे बीबी को भी कुछ सिखाता नहीं जी, है ना, क्योंकि वो सीखने के मूड में नहीं है तो मैं सिखाता नहीं हूँ। उसने थोड़ी मेरे को बोला सिखाओ, तो सीखती नहीं है। बराबर है, गुड। अभी मेरे को आपको ये बोलना है कि देखो 86 लोग है अभी, ये तनाव रहित भारत अभियान हमको चलाने का है, तनाव रहित भारत अभियान, स्ट्रेस फ्री इंडिया। और यदि हम लोगों को स्ट्रेस फ्री करते हैं, हमारे इंडिया में सब लोगों को 135 करोड़ लोगों को हम स्ट्रेस फ्री करते हैं तो बीमारियां गायब हो जाएगी, लोगों का ब्लड प्रेशर की गोलियां आधी से भी कम हो जाएगी, डायबिटीज की गोलियां आधी से भी कम हो जाएंगी, लोगों को अच्छी नींद आएंगी, लोग स्ट्रेस नहीं रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे नहीं, दुखी रहेंगे नहीं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसा भी ज्योति यदि स्ट्रेस में रहती नहीं थी आज, डिप्रेशन में रहती नहीं तो आज अच्छा काम करती थी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी, उत्पादन क्षमता बढ़ती थी, कुछ काम करती थी। लोग काम नहीं करते एक एक दिन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, है ना, लोग छोड़ देते काम करना, सो जाते हैं, नींद की गोलियां खा लेते हैं, या फिर काम करेंगे समझो भी जाना ही, जबरदस्ती काम पे जाना पड़ रहा है तो वहां काम पे जबरदस्ती जाएंगे, वहां गलतियां करेंगे 50, बॉस की गालियां खाएंगे, बॉस बोलेगा क्या तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा है, ख्याल नहीं है तुम्हारा काम में, निकल जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ बॉस बोलेगा उनको, गलतियां करेंगे। तो हमको स्ट्रेस फ्री इंडिया करेंगे तो हम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो हाँ, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जिंदगी के 50, आपने खुद ने आने का अगले बुधवार को 7:30 बजे, और आपके जिंदगी के 50-50 लोग लाओ कम से कम, और आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के लोगों के साथ में यदि मैंने बातचीत करना है तो भाई चलो मैं 100 लोगों को बुलाता हूँ, चलो जूम की लिंक मैं आपको दूंगा, जूम के लिंक के ऊपर मैं 100 लोगों से बात करूंगा आपकी जिंदगी की। आप कोई कंपनी में काम करते होंगे, आपकी सोसाइटी होंगी, आपकी बिल्डिंग की सोसाइटी होंगी, फिर आपका आपका समाज होगा, आपकी कम्युनिटी होंगी, आपके धर्म के लोग होंगे, आपके जाति के लोग होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ में 100 लोग काम करे, चलो उनको सिखाते हैं, तो ऐसे लोगों को लाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ ताकि आप उनके जीवन में फर्क करें, आपके जीवन में फायदा होगा, आपको फायदा होगा, उनके जीवन में फायदा होगा। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लिंक हम यही रखते हैं कायम, है ना, लिंक हम यही रखेंगे ताकि लेट मिल गई लिंक या जल्दी मिल गई लिंक ये सवाल नहीं आएगा। और अगले बुधवार को 7:30 बजे हम यही मिलेंगे। तब तक मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, होमवर्क फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, होमवर्क यह है कि जो जैसा बोल रहा है वैसा उसको सुनना है, कोई जजमेंट लगाने का नहीं, अच्छा है बुरा है खराब बोल रहा है राइट है रॉन्ग है कुछ नहीं, तो जैसा है वैसा है, जैसा नहीं वैसा, समझ में आ रहा। अब्दुल अहाद ना, आप अब्दुल अहाद हैं, बराबर है। अभी मेरा आपके बारे में कुछ भी जजमेंट नहीं, मैं कुछ भी जजमेंट से आपको नहीं सुनता, ये अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, बुद्धिमान है कि नहीं बुद्धिमान है, सच्चाई है कि झूठा आदमी है, कुछ नहीं, बस आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, ठीक है। तो आपको वैसा करने का है, अभी प्रैक्टिस करो ये। और सबको रिक्वेस्ट है कि हमारा सुबह का क्लास होता रहता है जादू का, जो लोग ऑलरेडी जादू के क्लास में आ रहे हैं सुबह 6 बजे के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
और बाकी भी लोग जो नहीं आ रहे उन्हें भी आना चाहिए, ताकि वो भी एक जिंदगी में फर्क डालने वाला क्लास होते रहता है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार को मिलेंगे 7:30 बजे, और यह हमने लिंक दी हुई है, लिंक तो ये लिंक दी हुई है अगले अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, और आपको अलग अलग उसमें वीडियोज मिल सकते हैं। हमारा चैनल जो है ना उसके ऊपर मैंने ये वीडियो डाल के रखे हुए, तो ये वीडियोज भी आपको काम में आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जुड़ते रहो, लोगों को लाते रहो, ताकि हम लोगों के जीवन में फर्क करें। थैंक यू वेरी मच।